इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे भौतिकी के एसआई मात्रक और संकेत, ठीक है ना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 5 नंबर ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको 2 नंबर में भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार क्या हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसको बहुत ही जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, नहीं तो जब एग्ज़ाम देख के आइएगा ना एग्ज़ाम देने के बाद, और अगर आप नहीं अभी देखते हैं तो फिर बाद में आप सोचिएगा कि हमने उस टाइम क्यों नहीं देख लिया था, क्यों नहीं याद कर लिया था। तो देखिए लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है जिसे एम से सूचित करते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम जिसे केजी से सूचित करते हैं, समय का सेकंड जिसे एस से सूचित करते हैं, ताप का केल्विन जिसे के से सूचित करते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर जिसे ए से सूचित करते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला जिसे सी डी से सूचित करते हैं, पदार्थ का परिमाण जिसे मोल से सूचित करते हैं, एमओएल समतल के कोण का रेडियन जिसे आर ए डी से सूचित करते हैं, घन कोण का अष्टेरेडियन जिसे एस आर से सूचित करते हैं, कार्य का जून जिसे जे से सूचित करते हैं, ऊर्जा का जून इसे भी जे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चाल या वेग का मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड आर ए डी पर सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल पी ए, शक्ति का वाट डब्लू, विद्युत धारा का एम्पियर ए, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रतिरोधक का मतलब प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विद्युत आवेग का कूलोम जिसे सी से सूचित करते हैं, विद्युत प्रतिरोध का ओम, ठीक है, जिसे इस प्रकार से सूचित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, देखते हैं विद्युत धारिता का फैराडे जिसे एफ से सूचित करते हैं, विभवांतर का वोल्ट जिसे वी से सूचित करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ठीक है ना, ऊष्मा का केल्विन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, आवृत्ति का हर्ट्ज एच जेड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर यानी न्यूटन मीटर इनवर्स, ज्योति फ्लक्स का न्यूमेन एनएम, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। आपका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। तरंग दर्ध यह भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यंगस्ट्रम, ठीक है, और प्रदीप्ति घनत्व का लक्स एन एक्स। तो अगर आप इसको अभी तक नहीं याद है तो आप 10 मिनट टाइम देके इसको पूरा रट जाइए, आपका इसमें से 4 से 5 नंबर फिक्स है, कोई भी काटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।